सुप्रभात द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग संधि के ट्रिक्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग स्वर संधि के दोनों भेद दीर्घ और गुण संधि के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे तीन भेदों, जिसमें वृद्धि यन और आदि संधि है, उसको पहचानने के ट्रिक्स और बनाने के नियमों के बारे में जानेंगे। गुण संधि में हम लोग देखे थे कि इसमें एक मात्रा वाला आ रहा था, उसके ऊपर में एक ही मात्रा था, ए या ओ। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है वृद्धि, तो कुछ तो वृद्धि इसमें होगी, तो इसमें मात्रा की वृद्धि हुई। पिछले गुण वाले संधि में हम लोग देखे थे कि एक मात्रा था, तो इसमें वृद्धि होगी, कितनी मात्रा हो जाएगी, दो मात्रा। इसमें वृद्धि संधि में आपको पहचानना ये है कि दो मात्रा वाला जितना भी शब्द होगा, जैसे एक है परमौषध, महौषधि, महाऔषधि, महेश्वर्य, दो मात्रा। देखिए इसमें एक एक में दो मात्रा है ना, महेश्वर में दो मात्रा है, परमौषध में औ में दो मात्रा है, तो दो मात्रा वाला जो भी रहेगा उसको हम लोग वृद्ध संधि पहचानेंगे और इसको बनाने का नियम देखेंगे अभी। तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि इसमें भी देखे थे कि अ आ के साथ, गुण संधि में अ आ के साथ ई उ और री का मेल हो रहा था। वृद्धि संधि में भी सेम होगा, अ आ के साथ ए आई ओ औ और का मेल होगा, ठीक है। और बनेगा क्या, दो मात्रा वाला शब्द, अ या आ के बाद ए आए या आई आए, तो बनेगा क्या, आए। जैसे आप देखिए एक जोड़ एक, एक एक कितने मात्रा वाला शब्द बना, दो मात्रा वाला शब्द बना। इसमें क का अ और ए का ए मिलके आई बना दिया, दो मात्रा वाला बना दिया। इसी तरह से देखिए सहा जोड़ ऐश्वर्य, सहेश्वरी, महा जोड़ ऐश्वर्य, महेश्वरी, इसमें आ और ए मिलके क्या बना दिया, आई बना दिया, महेश्वर, है ना। तो इस तरह से आपको दो मात्रा वाला जहाँ भी शब्द दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये वृद्धि संधि होगी। और लिखेंगे कैसे इसको, इसकी परिभाषा लिखनी होगी या याद कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो हमेशा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो हमेशा औ हो जाएगा, दो मात्रा वाला। जैसे महा जोड़ ओजस्वी, महोजस्वी हो जाएगा, आ जोड़ ओ औ हो जाएगा। तो समझ गए वृद्धि में क्या हो गया, एक मात्रा की वृद्धि हो गई। और ट्रिक्स क्या हो गया, इसका ट्रिक्स हो गया कि जब दो मात्रा वाला, दो में मतलब आई या औ, दो मात्रा वाला शब्द हो जाएगा तो वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाएगा। नियम भी समझ गए कि अ आ के बाद ए या आई आए तो आई होगा, अ आ के बाद ओ या औ आए तो क्या, कौन सा मात्रा लग जाएगा, औ लग जाएगा, है ना। यह हो गई वृद्धि संधि की बात। अब दो यहाँ पे यन संधि, यन संधि थोड़ा इस सबसे डिफरेंट है। इसमें हमने क्या देखा कि अ या आ के साथ मिल रहा था अलग अलग चीज, अ आ के साथ ई ई उ और री मिला तो गुण संधि हो गया, अ आ के साथ ए आई ओ औ मिला तो वृद्धि संधि हो गया। बट यन संधि में क्या होता है, इसमें होता है ई ई उ और री, ई ई उ और री के साथ कोई भिन्न स्वर कुछ भी आएगा, कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा, ई ई के जगह पे य हो जाएगा, उ के जगह पे व हो जाएगा और री के जगह पे र हो जाएगा। जैसे देखिए ई के बाद मैंने क्या कहा, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पे य हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए यहाँ, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, तो इसका ई और इसका अ दोनों मिलके क्या बना दिया, य, है ना, तो ये य हो गया। उसी तरह से देखिए अति जोड़ उत्तम, क्या बन गया, अति उत्तम। मैंने कहा था कि ई के बाद कोई, ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ई और उ मिलके बनाया य और इसका उ का मात्रा यहाँ लग गया अति उत्तम, है ना। उसी तरह से उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, उ आएगा तो क्या बनेगा, व बनेगा, ठीक है। जैसे
ऊ जोड़ अ वो बन गया। एग्जाम्पल देखिए, अनु जोड़ अल क्या बना यहाँ पे, अन्वय, वो है ना यहाँ अन्वय बन गया, ऊ और अ मिलके क्या हो गया, वो बन गया। उसी तरह से देखिए, मधु जोड़ आलय तो वो बनना है, आ है यहाँ पे तो यहाँ वाह हो गया, बना क्या वो ही बना, लेकिन उसमें आ का मात्रा जो है यहाँ लग गया तो मधुवालय। समझ गया कि ई ई उ उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई ई के स्थान पे य, उ उ के स्थान पे वो, और र के स्थान पे री के स्थान पे र हो जाएगा। र वाला देखिए, मातृ जोर आनंद, र बनना है मात्रानंद बन गया, है ना। पितृ जोर आदेश, पित्रादेश हो गया, ये री और आ मिलके क्या हो गया यहाँ पे, रा बना दिया, पित्रा, पित्रा देश हो गया। तो ये हो गया आपको यन संधि। उसी तरह से आयादि संधि में देखेंगे, देखिए यन संधि में हमने क्या देखा, ई ई उ उ और री मिल रहा था। आगे बढ़ जाएंगे एक स्टेप, आयादि संधि में क्या हो जाएगा, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए आई के स्थान पे आई, आई के स्थान पे आर, ओ के स्थान पे अव और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो इस दोनों में यन में ई ई उ उ री से मिलता है, कौन मिलता है, कोई भिन्न स्वर मिलता है। और आयादि में क्या होगा, ए आई ओ औ के साथ कौन मिलेगा, कोई भिन्न स्वर मिलेगा। तो ए के स्थान, ए के स्थान पे आई, आई के स्थान पे आर, ओ के स्थान पे अव, औ के स्थान पे आव आ जाता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, उदाहरण में देखिए, ने जोर अन, ठीक है, आपको मैं क्या बोली, ए के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो य बनाएगा, है ना, आई बनाएगा। देखिए ए जोर अ मिल के क्या बना दिया, आई, नयन, ने जोर अन नयन, बच्चे क्या लिख देते हैं, न जोर अयन, चार ऑप्शन रहता है, कुछ से कुछ लिख देते हैं, क्योंकि उसको उनको पता नहीं है कि ए और अ मिलके क्या आई बनाता है। तो जब आप ये समझ लेंगे ये वाली ट्रिक, तो आपका संधि में कभी गलती होगा ही नहीं। उसी तरह से देखिए यहाँ पे, ओ श्रो जोर अन, ओ जोर अ मिलके क्या बनाया, अव, है ना, श्रो जोर अन श्रवण, वन हो गया। उसी तरह से नए जोड़ अक, आय है तो आय और अ मिलके आय बना दिया, नए जोड़ अक नायक, बच्चे क्या करते हैं, ना जोड़ आयक लिख के आ जाते हैं। जामे मैं कई बार कॉपी चेक करने में देखती हूँ कि संधि में इतनी गलतियाँ करते हैं, जबकि ये कितना आसान है। इसमें आपको पता है कि ओ के बाद कुछ भी आएगा, कोई भिन्न स्वर आएगा तो अब बनाएगा, आप बनाएगा, इस तरह से, है ना। उसी तरह से देखिए, पो जोड़ अन, ठीक है, ओ जोड़ अ मिलके क्या बनना है, अब तो पो जोड़ अन, पवन का संधि पे से पवन, आ अब लगता है ना, तो पो जोड़ अन मिलके क्या बना दिया यहाँ पे, पवन, है ना, ओ जोड़ अ मिलके अब हो गया। उसी तरह से देखिए, पावक है आवक, पावक में आवक है, आव हो गया, तो अ जोड़ अ मिलके क्या बन जाएगा यहाँ पे, आग मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आयादि संधि, आयादि संधि में आए आय अब और आग बना। यन संधि में देखिए, य है लास्ट में तो य व र बना, इसमें आय है शुरू में तो यहाँ पे आए आय अब आग बना। तो इस तरह से संधि बहुत आसान है, अगर आप दिमाग में ट्रिक्स को बैठा लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका गलती होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के रूट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और आप प्रैक्टिस करिएगा।